निजी अस्पतालों में अक्सर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी की शिकायतें तो अक्सर आप सुनते ही रहे होंगे, लेकिन अब सरकारी डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं, क्योंकि आज भोजीपुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के साथ जो बदसलूकी हुई है, उस घटना को देखने के बाद तो ये बात और भी बलवती हो जाती है, पूर्ण मजबूत हो जाती है कि अब सरकारी डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। सरकारी डॉक्टर भयभीत हैं कि बरेली में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोजीपुरा शहर से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर, इस अस्पताल में तैनात प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ बदसलूकी हुई है। आखिर क्यों हुई है, कारण क्या था, वजह क्या थी, संबंधित डॉक्टर से ही बात करते हैं, जानते हैं घटनाक्रम और बाद में इनके नेता से भी बात करेंगे जो प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के नेता हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर इन डॉक्टर साहब के साथ हुई बदसलूकी के बाद आपके संगठन ने क्या किया है। आइए मुखातिब होते हैं संबंधित पीड़ित डॉक्टर से। कहाँ तैनात है? डॉक्टर संचित शर्मा, मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भोजीपुरा और भोजीपुरा सीएससी पर तैनात। क्या वाकया हुआ था डॉक्टर साहब, और कब की घटना है? ये 15 अगस्त 2018 की घटना है, दोपहर लगभग 3 बजे। क्या हुआ था उस दिन? एक 19 वर्ष की लड़की आई थी पीड़ित अवस्था में, जिसके साथ पुलिस की तरफ से होमगार्ड आए थे, जिन्होंने मुझे उस लड़की के मेडिकल परीक्षण के लिए एक रिक्वेस्ट दी जो भोजपुरा थाने से आई थी। उस रिक्वेस्ट में कोई भी NCR नंबर, FIR नंबर या सेक्शन मेंशन नहीं थे, किंतु हमें सरकार के द्वारा जो प्रारूप उपलब्ध कराया गया है, जिस पर कि हम मेडिकल करते हैं, उसमें FIR नंबर और सेक्शन का उल्लेख हमें करना होगा, जिसके लिए मेरे द्वारा होमगार्ड से ये कहा गया कि यदि संभव हो तो थाने से उपरोक्त जो सूचना थी उसे कलेक्ट कर दें, और तुरंत ही उस लड़की का उपचार शुरू कर दिया गया था और तुरंत ही उसका मेडिकल भी करना शुरू कर दिया गया था। कुछ समय बाद मेरा नंबर लेने के बाद में और भोजीपुरा के थानाध्यक्ष की मेरे पास कॉल आई, जिस पर उन्होंने मुझसे ये कहा कि क्या समस्या आ रही है मेडिकल करने में और क्या दिक्कत है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे सूचना चाहिए, FIR नंबर और सेक्शन, जिस पर उन्होंने मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी के साथ और चीख चीख कर बात करी, जिस पर मैंने उनसे कहा कि उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं आपकी शिकायत करूँगा। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आप मेरी शिकायत करें। तो उसके बाद में उन्होंने मुझसे धमकी देकर देते हुए ये फ़ोन काटा कि ठीक है, मैं आपको अस्पताल आके ही देखता हूँ, जिसके लगभग 5 से 10 मिनट के बाद में वो अस्पताल आ गए। अस्पताल आने के बाद उन्होंने पुनः वही आरोप मेरे ऊपर लगाए, जबकि लड़की का इलाज भी हो चुका था, जिस समय वो आए तब तक टाँके लग चुके थे बच्ची के, पट्टी हो चुकी थी और उस मेडिकल भी लगभग कंप्लीट हो चुका था। जिसके बाद उन्होंने मुझ पर पुनः आरोप लगाए कि मेडिको लीगल आप नहीं कर रहे हैं और आप लड़की का इलाज नहीं कर रहे हैं, आप मुझे रेफ़र कर दीजिए। रेफ़र करने के लिए चूंकि वो फ़ोन पे भी कह चुके थे और वहाँ पर आकर के उन्होंने दोबारा कहा कि आप मेडिको लीगल मत करिए, आप बच्ची को रेफ़र कर दीजिए। रेफ़र करने से मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं इलाज कर चुका था और बच्ची को रेफ़र नहीं किया जाना था, उसका सिर्फ एक्सरे होना था, जिसके लिए उसको बताया जा चुका था उनके साथ वालों को। तो उन्होंने उसके बाद लगातार वो अपने पूरे दलबल के साथ आए थे, 4-5 पुलिसकर्मियों के साथ, जिसके बाद उन्होंने लगातार वो मेरे ऊपर दबाव बनाते रहे। करीब 15 मिनट तक वो अस्पताल में रहे इमरजेंसी में, और 15 मिनट तक वो मेडिकल को रोक करके और मेरे ऊपर लगातार दबाव बनाते रहे कि आप इसे रेफ़र करिए, और अनर्गल आरोप लगाते रहे। जब वो अपनी मर्यादा से बाहर बोल रहे थे तो मैंने उनको ये एहसास भी करवाया कि आप मेरे से ऊपर की रैंक के नहीं हैं, मैं आपसे ऊपर हूँ। जिसके बाद ही वो नहीं रुके और उन्होंने तमाम तरह की मुझसे बातें कहीं। उसके बाद उन्होंने उनके साथ एक ऐसा ही आए थे, उन्होंने मुझसे का धमकी भी दी कि डॉक्टर जो हैं वो अस्पताल में पत्थर पड़ते हैं और आप डॉक्टर साहब अस्पताल छोड़ के भाग जाओगे। तो उसकी शिकायत मैंने CMO को कर दी है, DM से हम मिलने गए थे, DM साहब ने सोमवार का टाइम दिया है और इसके लिए हम DM को भी लिखित में सूचना देंगे। क्या नाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर संचित शर्मा। देखिए, डॉक्टर संचित शर्मा है और जिन्होंने अपने साथ हुई आप बीती का बयान कांकाव लखनऊ के साथ भी किया है। इनके साथ प्राइवेट मरीज के परिजनों ने नहीं, बल्कि संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस ने बदसलूकी की है। धमकी यहाँ तक दी है कि डॉक्टर अस्पताल में पत्थर भी पड़ सकते हैं और अस्पताल छोड़ के भागते नजर आओगे। इस घटना के बाद पूरे सरकारी महकमे में, स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई है, सनसनी फैल गई है। बहुत सारे डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर इकट्ठे होकर CMO से मिलने आए हुए हैं। आइए बात करते हैं PMS के अध्यक्ष, बरेली के अध्यक्ष से, PMS के नेता से, और जानते हैं कि आपने अब तक इन डॉक्टर की, डॉक्टर संचित शर्मा की मदद के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं। PMS के नेता से बात करते हैं, आइए। डॉक्टर विनीत शुक्ला सर, भोजीपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या घटना हुई थी, क्या जानकारी अब तक आई है PMS के माध्यम से, और आप क्या करने जा रहे हैं डॉक्टर?
मेरी शुक्ला साहब। अभी हमारे पीएमएस संघ के हमारे डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट एसोसिएशन के कर्मचारी संघ के और संविदा कर्मचारी संघ के बहुत से प्रतिनिधि अभी मुझसे आकर मिले थे, तो उन्होंने अवगत कराया कि जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं भोजीपुरा के डॉक्टर संजीव शर्मा, उनके साथ किसी जो भोजीपुरा के इंस्पेक्टर हैं थाना प्रभारी, उनके साथ कुछ नोकझोंक हुई थी। उस समय संजीव शर्मा अपनी ड्यूटी पे थे और अपने कक्ष में थे और अपना राजकीय कार्य कर रहे थे। उनका ये कहना है कि इंस्पेक्टर साहब ने उनके ऊपर दबाव बनाया कि वो उनके मन माफी मुआयना डॉक्टरी मुआयना की रिपोर्ट दें और यदि नहीं दे सकते हैं तो मुआयना ना करके बरेली रेफर कर दें। उनके बीच में काफ़ी गर्मा गर्मी हुई और टॉक्स हुई जिसके विषय में इन लोगों ने मुझे बताया है। और उनका ये कहना है कि क्योंकि डॉक्टर संजीव शर्मा राजपत्रित अधिकारी हैं और उसी जगह के वो अधीक्षक और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी थे, उन्हीं के कक्ष में घुस के पुलिस वालों द्वारा इस तरह का व्यवहार किया गया जो उचित नहीं था, तो इस विषय में उन्होंने जिलाधिकारी महोदय के नाम एक ज्ञापन मुझे दिया है। मैं इस विषय में उच्चाधिकारियों को अवगत कराऊंगा और इसके लिए जांच करा के देखा जाएगा, जो भी दोषी है उसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज भोजीपुरा अस्पताल के सरकारी डॉक्टर डॉक्टर संचित शर्मा के साथ बदसलूकी हुई है और बदसलूकी बताते हैं पुलिस ने की है, तो आपका क्या नाम है और पीएमएस में किस पद पे है, आपने क्या क्या पैरवी संचित साहब के लिए की है? मेरा नाम डॉक्टर सौरभ सिंह है, मैं प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ बरेली शाखा का सचिव हूँ। मेरे पास में डॉक्टर संचित शर्मा जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भोजीपुरा में, उनकी तरफ से एक प्रार्थना पत्र आया है जिसमें ये सूचना दी गई है कि वहाँ के प्रभारी जो थानाध्यक्ष हैं उनके द्वारा सरकारी अस्पताल में दल बल के साथ में आने के बाद में उनको जो है अनावश्यक दबाव और कदाचार, सरकारी काम में बाधा डालना, साथ में ही ये कहना कि आप मेरे से रैंक में नीचे हैं, ठीक है उम्र आपकी बहुत कम है, और ये कहना कि मेरी उतनी ही नौकरी है जितनी आपकी उम्र होगी, इन चीज़ों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वो थानाध्यक्ष भूल रहे हैं कि उनके आईपीएस अधिकारी शायद उनकी उतनी ही उम्र के हैं जितनी उनकी सर्विस है। तो मुझे ये लगता है कि शायद वो अपने पद के सामने उसके मद में उसके घमंड में इतना चूर हो चुके हैं कि वो ये भी भूल गए कि आखिर हम गजेटेड ऑफिसर्स हैं, हम सब राजपत्रित अधिकारी हैं, और एक राजपत्रित अधिकारी के कार्यालय में आने का पुलिस का या किसी भी दूसरे व्यक्ति का एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल का पालन उनके द्वारा नहीं किया जाता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि एक सरकारी कर्मचारी ही सरकारी कर्मचारी का दोहन कर रहा है, दबाव का और पिलर का। इस संबंध में आज हम लोगों ने जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय बरली से हम लोगों ने मुलाकात करी, उनको अपना ज्ञापन दिया और अपनी पीड़ा से, अपने काम में आने वाली बाधाओं से हमने उनको अवगत कराया। महत्वपूर्ण ये है, मैं बताना चाहता हूँ कि ये केवल प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ही नहीं, आप इस पत्र में अगर देखेंगे तो इसमें जो है अध्यक्ष मंत्री संयुक्त चिकित्सा राजकीय कर्मचारी संघ शाखा बरेली, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन, राजकीय नर्सेस संघ, यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन और जो संविदा कर्मचारी यूनियन है, ये सारी यूनियन इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा आंदोलनित हैं। हम आज जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय गए थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश, मैं तो कहूँगा दुर्भाग्यवश, और सरकारी कर्मचारियों के दुर्भाग्यवश डीएम महोदय से मुलाकात नहीं हो पाई। क्या आप इस सिलसिले में आंदोलन की बात उठती है, आंदोलन पर चले जाएंगे, स्ट्राइक भी कर सकते हैं क्या अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है? बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी सारी की सारी एसोसिएशन और हमारी जो है प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ शाखा बरेली, माननीय सुनील पचौरी जी जो थानाध्यक्ष हैं भोजीपुरा के, यदि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए तैयार हैं और हम सब मिलके 100% सारे चिकित्सालयों को बंद कर देंगे। देखिए, बरेली प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के सचिव ने साफ साफ कह दिया है कि अगर भोजीपुरा के पीड़ित चिकित्सा अधिकारी को न्याय नहीं मिला, उनके संग अभद्र व्यवहार करने वाले प्रभारी थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो स्ट्राइक पर भी चले जाएंगे। बड़ी घटना है, बड़ी गंभीर विषय है, अब तक प्रशासन को संज्ञान ले लेना चाहिए
लेकिन पता नहीं किन कारणों से इस मामले को हल्के में लिया जा रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है, हम दिखाएंगे इसकी पल पल की रिपोर्ट भी आपको। कहाँ कहाँ लखनऊ से लिए, लखनऊ के लिए मैं बरेली से संजीव गंभीर। के पीछे दफ्तर जो देख रहे हैं वो बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दफ्तर है और यहाँ पर बैठते हैं चिकित्सा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनीत शुक्ला जी। आज उनके पास एक ऐसी गंभीर समस्या आई है जिसको लेके वो गंभीर भी हैं और पत्र भी लिख रहे हैं। बताते चलें, भोजीपुरा में तैनात डॉक्टर संचित शर्मा के साथ वहीं के भोजीपुरा के ही पुलिस के एक अधिकारी ने, थाना अध्यक्ष ने बदसलूकी की है जैसा कि डॉक्टर ने बताया है। बदसलूकी के बाद फार्मेसिस्ट संघ, नर्सेस संघ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, संविदा कर्मचारी, सभी स्वास्थ्य विभाग महकमे से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी संगठन थे सब आंदोलित हो गए हैं और सब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी संगठन भोजीपुरा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संचित शर्मा के साथ हुई बदसलूकी से लामबंद हो गए, एकजुट हो गए हैं, पुलिस के खिलाफ मुखर भी हो गए हैं और सीएमओ को एक ज्ञापन भी दिया गया है। सीएमओ ने बरेली के डीएम से भी बात कर ली है, उनको पत्र भी, डीओ भी लिखा है। अब देखते हैं इसमें होता है क्या। फिलहाल प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ से जुड़े डॉक्टरों का मनोबल डाउन है। अगर स्वास्थ्य विभाग ने हस्तक्षेप करके संबंधित थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं कराई तो निश्चित रूप से बरेली में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। हम दिखाएंगे आज उसके बाद की भी कवरेज आपको। काम काम लखनऊ के लिए मैं बरेली से संजीव गंभीर।